नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भारत के अंदर जब से मोदी सरकार जीती है तब से भारत के अंदर बहुत कुछ चेंजिंग हो रहा है। ऐसे ही एक चेंजिंग्स के साथ मैं आज आप लोगों से मिल रहा हूँ। मोदी सरकार की एक नई योजना एक परिवार एक नौकरी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति को नौकरी देने का निर्णय लिया है। उसके लिए वेतन है 30,000 रुपये, वही जो सरकारी नौकरी वाले को दी जाती है। इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए उम्र की कम से कम तो 18 साल की होनी चाहिए और अधिक से अधिक 45 साल की होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो जॉब है वो काम है वो ऑल इंडिया के लिए है। यदि आप ऑल इंडिया के निवासी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा क्योंकि मोदी सरकार ने जो न्यू घोषणा की है हम उन सब के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर 10वीं पास के लिए नौकरी का एक शानदार मौका है, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन पहले आपको इस मोदी सरकार की नई योजना के बारे में बता देता हूँ। साथ ही साथ आपको मैं इस वीडियो में प्रूफ भी दूंगा कि मेरे पास क्या प्रूफ है कि मोदी सरकार की ये न्यू योजना बिल्कुल सक्षम है। तो चलिए मित्रों, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ ले चलता हूँ। वहीं से आप लोगों के डाउट है वो सारे के सारे क्लियर करने की मैं एज पॉसिबल कोशिश करूंगा। आप देख रहे होंगे मैं मौजूद हूँ एक ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो गूगल पर जाकर सर्च करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक परिवार एक नौकरी योजना 2019 फॉरम। इसमें क्या कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने उन परिवारों के लिए एक योजना की शुरुआत की है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम एक परिवार एक नौकरी योजना रखा है। अगर आपके पास आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति सरकारी पद के पर तैनात नहीं है तो ये योजना आपके लिए खुशियों का पैगाम लेके आई है, एक परिवार एक सरकारी नौकरी। तो यार मित्रों, इसके लिए आपको बहुत ही जल्द फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी भरने हैं। साथ ही साथ जिन परिवारों में एक भी व्यक्ति सरकारी पद पर तैनात नहीं है उन परिवारों के लिए इस अंतर्गत सरकार हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी है वो उपलब्ध करवाएगी। योजना केवल उन परिवारों पर लागू होगी जिनमें कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर न हो। व्यक्ति को सरकारी पद उसकी योग्यता के मुताबिक दिया जाएगा। अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत अपने परिवार को इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहते हो तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आज के समय में सरकारी नौकरी पाना हम सभी का सपना होता है, पर तमाम तरह की डिग्री होने के बाद भी सरकारी पद पर पहुँच जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आज के समय में हर स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जिससे काबिल लोगों को तो नौकरी नहीं मिलती है और अयोग्य लोग नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ कुछ अपवाद भी है, परंतु सरकार की एक योजना है एक परिवार एक नौकरी योजना से अब हर परिवार का एक व्यक्ति या स्त्री की काबिलियत के आधार पर उसको सरकारी नौकरी के अंतर्गत एक पद दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देख सकते हो कि इस नौकरी के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल्स से मिल जाएगा। इस योजना के ऐलान करते ही हर तरफ खुशी छा गई है क्योंकि अब हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का सफर दिया जाएगा। योजना के संबंध में शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना के प्रमुख और योजना की पात्रता के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका नीचे दिया गया है, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। यहाँ से आप पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हो। साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको एक तो वोटर आईडी चाहिए, आवेदन बनने का वाले का आधार कार्ड चाहिए, मतलब वोटर आईडी एक तो एक आधार कार्ड, उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट, इसके बाद में आवेदक का बोनाफाइड प्रमाण पत्र। साथ ही साथ योजना में विभिन्न विभागों के आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं, अतः आवेदक को पढ़ा लिखा होना चाहिए। यदि आवेदक गवार है बिना ग्रेजुएट है तो यार उसको नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ ही साथ इस पदों पर आप नौकरी कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यार मोदी सरकार की ये बहुत ही अच्छी योजना है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जल्द से जल्द भाग लोगे क्योंकि इस योजना की आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे गोल कर रखा है, वहाँ से आपको यहाँ पे डिटेल से मिल जाएगा। जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डिटेल से कुछ पढ़ सकते हो। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। यदि अपडेट अच्छी लगी तो अपडेट को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एनके एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।